लेते हैं, सीता का नहीं लेते हैं। तो हमारे संस्कृति में ये शामिल है कि हम माता पिता कहेंगे, राधे श्याम कहते हैं, सिया राम। लेकिन राधे श्याम कहते हैं, सिया राम कहते हैं, पार्वती परमेश्वर कहते हैं। इस तरीके का एक संस्कृति हिंदुस्तान में है और इसी संस्कृति को आगे बढ़ाते हुए हमने बहुत से क्षेत्रों में महिलाओं को आगे बढ़ाने का कोशिश किया है। लेकिन जिस तरीके से, जिस रफ्तार से पूरी दुनिया डेवलप हो रही है, अगर उसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है, उसी रफ्तार से हिंदुस्तान को भी डेवलप होना है, तो हिंदुस्तान में महिलाओं को राजनैतिक क्षेत्र में भी भागीदारी मिलनी चाहिए। और राजनैतिक क्षेत्र में भागीदारी मिलने के लिए महिला आरक्षण का बिल को लेके आना बहुत जरूरी है। महिला आरक्षण बिल, 33% आरक्षण का बिल 27 साल से पेंडिंग में है। बहुत सारे महिलाओं ने, बहुत सारे राजनीतिक दलों ने महिलाओं के साथ खड़े होके कोशिश उन्होंने किया है कि हिंदुस्तान में एक चर्चा हो और आरक्षण भी मिले। मैं आज उन सारी महिलाओं को सलाम करना चाहती हूँ जिन्होंने भी कोशिश किया है महिला बिल लाने का। 1996 में जब पहले बार देवेगौड़ा जी ने महिला आरक्षण बिल इंट्रोड्यूस किया है, तो ये ऐसे ही नहीं हुआ है। उससे 10 साल से, 15 साल से पहले बहुत सारे हमारे बहने, उनका जो एजिटेशन था, उनका जो आंदोलन था, उसी के वजह से 1996 में बिल इंट्रोड्यूस करने का वो एक प्रयास हुआ था। और वो आंदोलन में मैं सारे उन महिलाओं को धन्यवाद देना चाहती हूँ, सल्यूट करना चाहती हूँ, चाहे वो बृंदा कारक जी हो, चाहे वो सोनिया गांधी जी हो, चाहे वो जयंती नटराजन जी हो, चाहे वो सुषमा स्वराज जी हो, चाहे ये वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जितने भी है, पान राजपूत जी होने दो, इंदु अग्निहोत्री होने दो, बहुत सारे ऐसे महिलाएं हैं और बहुत सारे ऐसे अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने आंदोलन किया है, उन्हीं के वजह से आज ये चर्चा है। मैं बहुत आज अपने आप को सम्मानित महसूस करती हूँ कि ऐसे एक मुद्दे को जो हमारी हिंदुस्तान की आधी आबादी को आगे ले जा सकती है, ऐसे मुद्दे को आगे ले जाने का अवसर आज मुझे मिला है। मैं अपने आप को बहुत सम्मानित महसूस करती हूँ और आज मैं आज हिंदुस्तान के सारे हमारे बहनों से वादा करती हूँ कि जब तक महिला आरक्षण का बिल नहीं आएगा, तब तक ये हम पद नहीं छोड़ेंगे, ये आंदोलन करते ही रहेंगे, आंदोलन चलाते ही रहेंगे, क्योंकि महिला आरक्षण से ही हिंदुस्तान का भला हो सकता है, हिंदुस्तान का डेमोक्रेसी का भला हो सकता है। और आज एक अच्छा अवसर है, एक हिस्टोरिक अवसर है, जहाँ पे फुल मेजोरिटी का सरकार है, तो हम इस मंच से इस भारतीय जनता पार्टी सरकार को हम डिमांड करते हैं कि महिला आरक्षण बिल आप इंट्रोड्यूस करें। हम सारे दलों को एक करने का कोशिश करेंगे, हिंदुस्तान के सारे महिलाएं एकजुट होने का कोशिश करेंगे और आपका पार्लियामेंट में भी मदद करने का कोशिश करेंगे। आज आप ये मंच पे देख रहे हैं, काफी पॉलिटिकल दलों से अपने रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं। रेस्पेक्टेड श्री येचुरी जी आए हैं, उन्होंने ये पूरा अनशन का स्टार्ट किया है, इनॉग्रेशन किया है। और हमारे एनसीपी के नेशनल स्पोक्स पर्सन यहाँ पे हैं, समाजवादी के पूजा शुक्ला जी है, किसान आंदोलन से भी है और बहुत सारे हमारे बीआरएस के महिला मंत्रीगण हैं, एमपी से, उन सबको भी मैं प्रणाम करती हूँ। और पूरे दिन पर काफी सारे राजनीतिक दलों से बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव भी आएंगे, उन सबका भी मैं धन्यवाद करती हूँ। बस यही एक मुद्दा है जो हम महिलाओं को राजनीतिक स्थल में, क्षेत्र में आगे ले जा सकती है, तो हम इसके लिए पूरा पूरा कोशिश करेंगे और इस कोशिश में, इस आंदोलन में साथ देने के लिए आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। आज हमें यहाँ 10 बजे से लेकर 4 बजे तक का समय मिला है, तो हम लोग अनशन पे बैठे हैं और ये बस शुरुआत ही है। यहाँ से लेके आगे चल के पूरा देश भर में आंदोलन चलाते रहेंगे। जब तक महिला आरक्षण बिल नहीं आएगा, तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। थैंक यू सो मच। जय भारत। तेलुगु में मैं एक लाइन आपको बताना चाहती हूँ। तेलुगु में हमेशा बोलते हैं,
ధరణిలో సగం ఆకాశంలో సగం అందుకే అవకాశంలో కూడా సగం కావాలని చెప్తాం. ధర్తీ మే హమ్ ఆదే హై ఆస్మాన్ మే ఆదే హై इसीलिए अवसर में भी हमें आगे मिलना चाहिए. ये नारा के साथ हम आगे बढ़ेंगे और हमारे हक पाके रखेंगे. थैंक यू. जय भारत. तमिलनाडु